हम आए थे एमिट्रिया प्लैनेट की एक्सप्लोरेशन में, लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हुई। मैंने मेरे भाई को तो बचा लिया, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ हमारी शिप पे और मैं दूर जाके गिर गया। अभी मुझे मेरे भाई को ढूंढना है। ये क्या है? गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बॉयज, मैं आ चुका हूँ एक नए गेम के साथ, एक नई सीरीज के साथ, जिसका नाम है एमिकिन सर्वाइवल। जी हाँ भाई, आई थिंक ये पोकेमोन टाइप का गेम होने वाला है और मैंने चुना है भाई अपने फायर टाइप को, क्योंकि भाई मैं चुनने वाला था ग्रास टाइप का, बहुत ही क्यूट लग रहा था, और वाटर टाइप का भी था, बट भाई ग्रास टाइप का सच्ची में क्यूट लग रहा था भाई। लेकिन मेरे को लगा भाई लोग बहुत कंप्लेन करते हुए यार कि ग्रास ग्रास टाइप मत चुनो भाई, फायर टाइप को ही चुनो। तो मैं इसलिए भाई इसमें भी सोचा कि फायर टाइप को चुन लेता हूँ, तो इसके पास पंख भी है। चलो भाई यहाँ पे जाना। अच्छा इस पकड़ लिया, ये क्या था? ओके यार, मैं बस देख ही रहा था कि गेम कैसे स्टार्ट होता है। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है बॉयज, और गेम मेरे को बहुत ही यूनिक लगा और मैंने डाउनलोड करके रखा था भाई 3 वीक पहले ही, बट मैं यूज नहीं कर रहा था। लेट्स गो, इसको बाहर निकालते हैं। अभी मैंने इसको पकड़ लिया, आई थिंक ये पोकेमोन टाइप गेम होने वाला है। ओके, यहाँ से मूवमेंट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। अभी मुझे सिखाने वाला है ये स्क्रैप मेटल। ओके, मेटल स्क्रैप, बहुत बढ़िया। उड ले सकता हूँ। बैकग्राउंड में जो भी शोर सुनाई दे रहा है उसको इग्नोर कर दो। अगर वैसे अपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, पहले उड कलर करना पड़ेगा। तो बॉयज, सिंपल सा सर्वाइवल गेम है और मैं यहाँ पे क्राफ्टिंग कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया। बैटल भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को गेम कैसा लगेगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। चलो जी, ये कर दिया बिल्ड। ओके, अभी गेम सीख ही रहा हूँ मैं। पिकैक्स नहीं है मेरे पास, ये क्या है, ये नहीं ले सकता। ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे चलते हैं। और 10 सेकंड होगा इसकी और रिपेयर होने के लिए आई थिंक। चलो जी भाई, हमारा पोकेमोन देखो हमें फॉलो कर रहा है। ओके, मैं इसको अंदर ले सकता हूँ? जी हाँ, लेकिन बाहर रखते हैं इसको, देखने में अच्छा लग रहा है। चलो जी, ये रेडी हो गया। अबे तू हट, हट हट, थोड़ा हट। चलो देखते हैं, एक्स बना सकता हूँ मैं। मेटल स्क्रैप लगेंगे और वुड लगेगा, बहुत बढ़िया। क्राफ्ट होने के लिए भी टाइम लगता है। ओके, यहाँ पे पिकैक्स भी है तो उसको क्राफ्ट कर सकते हैं क्या? पहले तो उसको लेना पड़ेगा। चलो जी, ये करने के लिए भाई हमें स्क्रैप चाहिए और वुड और थोड़ा चाहिए। ये भी नहीं कर सकते, ये क्या है भाई? फाइबर चाहिए भाई, नाइस। क्लॉथ बनाने के लिए फाइबर चाहिए। ओके मैन, पूरा क्राफ्टिंग का भाई, क्राफ्टिंग अच्छी लग रही है मुझे इसमें, देखते हैं। चलो जी, क्या कर रहा है ये कुछ कर रहा है कि मैं हटूं यहां से? ओके, पता नहीं क्या कर रहा था भाई। चलो कोई बात नहीं, 3 पेड़ काटने तो हमें टास्क मिल चुके हैं यहाँ पे। मुझे 3 पेड़ काटने हैं, 15 मेटल स्क्रैप इकट्ठा करने हैं, और मुझे एक इक्विपमेंट बेंच बनाना है, और मुझे पता नहीं क्लब क्या है ये क्राफ्ट, मुझे कुछ क्लब बनाना है और मुझे इक्विप करना पड़ेगा। ओके, लेवल 2 है मेरा, 210 HP है। ओके नाइस, बहुत बढ़िया। और पेड़ काटने के लिए बैठिए, क्या है पहले, ये नहीं खुलेगा, लेवल 10 पे खुलेगा। इसको तोड़ सकता हूँ मैं, इसे भी तोड़ सकता हूँ, बहुत बढ़िया। चलो भाई तोड़ो, इसका टास्क नहीं है भाई, क्यों कर रहा हूँ मैं, टास्क मिलेगा तब काटेंगे। ओके, बैकग्राउंड में जो भी शोर सुनाई दे रहा है उसको इग्नोर कर दो। 3 वुड मिल गए, बहुत बढ़िया। मुझे 3 पेड़ काटने हैं भाई, वुड कलेक्ट नहीं करना है। ओके लेट्स गो भाई, इसको भी काटते हैं। ये हो गया 2 और ये हो गया 3। भाई गेम कैसा होगा मेरे पता नहीं, आप लोगों भाई आप लोगों के ऊपर है भाई। अगर आप लोगों को पसंद आया, व्यूज अच्छे आए, तो मैं इस गेम को कंटिन्यू करूंगा, वरना तो नहीं भाई। चलो जी, अभी मुझे 15 मेटल स्क्रैप इकट्ठे करने हैं। और वेट वेट, मुझे मैप में कुछ दिख रहा है। ओ हो भाई, इनको पकड़ सकते हैं क्या? नहीं, अच्छा अच्छा बैटल कर सकता हूँ मैं। अच्छा अपना बंदा भी मर रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। ओ भाई पावर है इसके पास, लेट्स गो, देखते हैं कौन विन होता है। नहीं भाई, इसकी हेल्थ ज्यादा है क्या? मर गया था भाई, लेकिन अपने बंदे को देखो डैमेज नहीं मिला, मुझे कितना डैमेज मिला है। वेरी नाइस। मेरा टास्क क्या था यार, मैं क्या कर रहा हूँ? इनको अभी अटैक नहीं करावाते भाई, थोड़ा आराम से करते हैं, मेटल्स का इकट्ठा करते हैं, फिर कभी बैटल लड़ेंगे भाई। नाइस वन यार, इसके मूव्स में कैसे देखूं? ओके, नए चीजें क्राफ्ट करने का यहाँ पे है भाई। ये रहा क्लब, मुझे और एक मेटल स्क्रैप चाहिए, लेट्स गो। ये रहा अपना पोकेमोन। अटैक 20 है, डिफेंस 26 है, और एक खाने का गैस का पेड़ रहती है, भूख लगती है इसको, 44 है। काम फायर और वर्क। ओके, फायर एरो, फायर वेव। मैं इसके अटैक चेंज नहीं कर सकता क्या?
मुझे इक्विपमेंट बेंच बनाना पड़ेगा अगर मुझे वो चाहिए तो। पहले स्क्रैप इकट्ठा करो यार, स्क्रैप ढेर सारे हैं यहाँ पे, स्क्रैप इकट्ठा। अरे नहीं 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 मत मार उसको, ये इकट्ठा कर। ओके सॉरी यार, मैं फायर, मैं ये अटैक वाले बटन को दबा रहा हूँ, मुझे इसको क्लिक करना चाहिए। हाँ अभी ये किसी को अटैक नहीं करेगा, बस इकट्ठा करेगा। ओके नाइस वन। चलो ये बेरीज वेरीज रख लेता हूँ भाई, और दो स्क्रैप चाहिए। वेट यार, मैप में मेरे को दिख तो रहा है लेकिन नहीं नहीं ये नहीं, वेट मैप में उतना कुछ क्लीन नहीं दिख रहा। चलो जी इनको पकड़ें क्या, इसको पकड़ सकता हूँ मैं? नहीं पकड़ सकता कि वेट फिर से नहीं भाई, वो मैं सामने भी नहीं, मैं नजदीक भी नहीं जा सकता। ट्राई करूंगा इसको पकड़ने का, नहीं नहीं आ रहा। कुछ एमिडाइज कुछ तो है भाई, वो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, जब इकट्ठा करेंगे तो पकड़ेंगे भाई, और भी और लेवल बढ़ेगा तो वहां जा सकता हूँ। बहुत बढ़िया। अरे स्क्रैप्स कहाँ पे है भाई, इतना ढूंढना पड़ेगा क्या स्क्रैप्स को? लेट्स गो, ढूंढते हैं भाई, अगर मिले तो सही, वरना यार मेरे को। हाँ ये रहा, और एक चाहिए। लेट्स गो भाई, एक्स्ट्रा ले लेते हैं ना, यहाँ पे ढेर सारे हैं भाई, यहाँ इकट्ठा कर लेता हूँ वरना कम पड़ेगा आगे चल के। चलो भाई तू भी आ, और तू भी आ। अभी मुझे जाके क्राफ्ट करना पड़ेगा, क्राफ्ट करते हैं इसके आसपास ही रखते हैं भाई, पता नहीं क्या है। आई थिंक ये आगे चल के हमें थोड़ा पावर अप करेगा। ओके मैंने यहाँ पे एक बिल्ड किया है, तो और एक बिल्ड यहीं पे करते हैं। वर्क बेंच ये सेम तो नहीं है ना, लेट्स गो देखते हैं। चलो भाई 30 सेकेंड्स लगेगा, कोई बात नहीं। एंड फाइनली कंप्लीट, बहुत बढ़िया। ओके क्राफ्ट ये कर सकते हैं, लेवल 3 चाहिए इसको बनाने के लिए। बैग है आई थिंक, ये क्या है यार, बो के लिए लेवल 5 चाहिए भाई। एडवांस बो अपग्रेड कर सकते हैं, अच्छा अपग्रेड है ये भाई साहब। गन वगैरह बना सकते हैं हम, बहुत बढ़िया मैन, लेकिन वहां तक जाने के लिए हमें बहुत ढेर सारा लेवल की जरूरत है। लेकिन अभी फिलहाल को मैं ये बैट मतलब ये क्लब जो है इसको बना सकता हूँ। लेट्स गो, 30 सेकेंड्स ये भी लगेगा। ओके इसको बनने देते हैं। अब मैं हट सकता हूँ क्या यहाँ से? हट सकता हूँ? नहीं, मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा तभी बन पाएगा ये। ओ भाई ऐसी बात है, मेरे को लगा यार ऑटोमेटिक बनता रहेगा, लेकिन नहीं ऐसा, थोड़ा बहुत यहाँ पे रियलिस्टिक है भाई। ओके नाइस, चलो यार ओखा, मुझे खुद को बचाना पड़ेगा। ओके भाई बचते बचाते इसको मारना पड़ेगा। लेट्स गो भाई, ये आइस टाइप है यार। ओके जल्दी नहीं मरेगा, मेरे पे अटैक कर रहा है ना, बच गया। तो भाई अपने पे अटैक्स भी होंगे यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हमें भाई। ये एमेंडेंट कहाँ पे मिलता है? एमेडीज D4 ये कहाँ मिलता है मेरे को नहीं पता। ये है क्या? हीलिंग और भाई, और ये क्या है? फाइबर है। ओके फाइबर नहीं चाहिए मुझे। बेरीज है, बेरीज नहीं, ये नहीं है भाई। ये रहा आई थिंक। अच्छा जी ये है, ये कहाँ मिलेगा यार मुझे ये नहीं पता। लेट्स गो, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, पूरा मैप चक्कर मारना पड़ेगा तभी मिलेगा वो। देखते हैं, आई मेड इज ये रहा भाई। ओके ये मिल गए दो, कितने अच्छा हो गए पूरे। कैच, मुझे कैच करना है नया पोकेमोन। लेट्स गो देखते हैं अगर कहीं पे होगा, इसको पकड़ेंगे। रेड मार दिखा रहा है भाई इसको, लेट्स गो ट्राई करते हैं। हो रहा है पता नहीं रेड मार दिखा रहा था इसलिए पकड़ना चाह, ओ नहीं हाँ हो गया। ओके उसको बाहर कैसे निकालें? तो या बॉडी हमने नया पोकेमोन पकड़ लिया है, तो ये फिजिकल टाइप है, मतलब ये फिजिकल अटैक करेगा। ओके इसके पास काइनेटिक इंपल्स है और ग्रेविटी ब्लास्ट है, तो नाइस यार। लेकिन इसका अटैक पावर 11 है, और जो मेरे पास फायर टाइप का है उसका अटैक पावर 21 है, और डिफेंस 26 है, तो भाई ये बेटर है, तो मैं इसी को रखता हूँ। आई थिंक इसका लेवल 3 है ना, तो इसलिए इतना पावरफुल है, तो उसको भी लेवल अप करेंगे यार। लेकिन हमारे पास स्लॉट नहीं खुलेंगे, स्लॉट कब खुलेंगे पता नहीं। ओके यार देखते हैं, जब मिलेगा तो उसको भी यूज कर लेंगे। बहुत बढ़िया, थोड़ा फाइबर वाइबर इकट्ठा कर लेता हूँ, थोड़ा क्राफ्टिंग करते हैं, उसके बाद चलते हैं भाई, देखते हैं थोड़ा शिकार करते हैं। पता नहीं गेम की स्टोरी देखो यार, हमारा एक ब्रदर था, तो हमारी प्लेन क्रैश होने वाली थी, मतलब स्पेसशिप क्रैश होने वाली थी, तभी उसने हमें बचा लिया, और मुझे आगे कुछ नहीं पता कि ये स्टोरी कहाँ लेके जाएगी, कैसी होगी। और आई होप कि साउंड वगैरह सबसे ठीक सुनाई दे रहे हैं, मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है आप लोगों को। ओके ये नहीं उठेगा, कोई बात नहीं। वाह मैन, एक
ये गेम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ग्राफिक्स देखो भाई क्या कूल लग रहे हैं, पता नहीं गेम कैसा है आगे चल के पता चलेगा। अभी जितना देखा है ना गाइस, थोड़ा जबरदस्त तो लग रहा है भाई, अच्छा खासा लग रहा है। लेवल अप हम कर सकते हैं अपने पोकेमॉन्स का, ये देख के अच्छा लगा। वेट यार, किसी को पकड़े हैं? कुछ बोल रहा है भाई, अरे किसी और को ही पकड़ना था हमें। मियोविक क्या है यार ये, रुको देखते हैं, शायद वही है भाई जब से हम देख रहे हैं ना यहाँ पे घूम रहे थे वो। ओके, न्यूयॉर्क सीड मिल रहे हैं हमें, कोई किस कैसे यूज होंगे ये सीड मेरे को ये नहीं पता। लेट्स गो, फिर भी कोई बात नहीं, कलेक्ट कर लेते हैं पूरे। ओके, ढेर सारे मिल गए भाई, नाइस। और बैकग्राउंड में सच्ची में बहुत ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है। ओके, ये हो सकता है भाई, लेट्स गो इनको पकड़ने की ट्राई करते हैं। ओके, रुक जा भाई। अरे रुक जा रुक जा, लेट्स गो, आ जाएगा आई थिंक। 8% चांस है, 38, 50, 69, 100%, नाइस भाई, ये आ गया। ये नहीं था क्या? वेट, ये क्या है? इसको पकड़ना पड़ेगा गाइस, रुको 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 यार, ये एक मेरे को मिल जाए ना, ये एक नहीं भाई दो तो चाहिए मुझे, मुझे लग रहा है वो थोड़ा स्ट्रांग है, वो जल्दी नहीं मिलेगा। ओके, कहाँ पे है मेरे को नहीं पता यार, प्लीज मिल जाए भाई, ये एक मिल जाए यार। वो पकड़ने वाला स्टोन यार, अगर वो मिल जाएगा ना तो पोकेमॉन बनाऊंगा, उसको पकड़ लूंगा मैं। इससे नहीं मिलता आई थिंक वो, ये तो सीड है, ये नहीं चाहिए भाई। भाई ऐसा ना हो जब तक मैं वहां पे जाऊंगा भाग गया होगा, ऐसा मत होना यार। अरे अरे ये तो मार रहा है भाई, अरे इसका अंडा है भाई, अंडा चुराएंगे अभी। वेट, लेट्स गो, तेरी भैंस की टांग। मुझे मार रहा है भाई, मुझे मत मार यार, लेट्स गो भाई, बहुत बढ़िया। ये रहा भाई अंडा, इसको ले सकते हैं, नाइस, अभी हम इसका अंडा चुरा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अरे भाई क्या ब्यूटीफुल गेम है यार, अंडा वंडा है भाई इसमें, क्या मस्त लग रहा है। वेट, ये मारेगा क्या? ये भी मारेगा, इसका भी अंडा होगा यहाँ पे। अरे भाई अंडे चुराएंगे, अंडे से उनको निकालेंगे, टेम करेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे मत लड़ो भाई, मत लड़ मत लड़ मत लड़, ये कहाँ पे है, इसको बुलाओ, वापस बुलाओ। हाँ आ गया, बहुत बढ़िया भाई, ये लड़ने चला जा रहा है, अगर मुझे कोई छूता भी है ना तो ये लड़ने जा रहा है उनसे। ओके, मैं घुमा फिरा के वहीं पे आ गया गाइस, मुझे वो नहीं मिला यार। शिट मैन, वो कैट जैसा दिखने वाले को पकड़ना चाहता था मैं, लेकिन क्या करें अभी वो मेरे को पोकेबॉल नहीं मिला यार, पोकेबॉल मिलता तो उसको पकड़ लेता, यहीं पे खड़ा है यार वो। अरे इसको पकड़ना है, कैसे पकड़ो? वेट, ये फ्री में दे रहे हैं मुझे, जितनी इसकी कम हेल्थ होगी हम उसको पकड़ने के चांस ज्यादा होंगे। और ये फ्री में मुझे बॉल भी मिल गया। अरे भाई साहब, तो मुझे इसको पकड़ना ही था, मैं फालतू में वहां पे यहाँ पे घुमा यार, कोई बात नहीं, मुझे अंडा तो मिला। ओके बढ़िया भाई, लेवल अप हो गया और हमें 20 वुड कलेक्ट करने हैं, लेट्स गो, ये तो इजी है, कलेक्ट हो जाएगा। और हमें एक बेड बनाना है, लेकिन सबसे पहले यार उसको देख तो लो, मैंने इसको पकड़ा है और इसको पकड़ा है, इसका अटैक पावर है 18, लेवल 1 पे ही 18 है, डिफेंस 18 है, और इसको भूख लगती है बहुत ज्यादा से ज्यादा। अर्थ स्लैश सैंडस्टॉर्म दो टाइप के अटैक करता है, और ये अर्थ टाइप का पोकेमॉन है, बहुत बढ़िया। और इसका 13 अटैक है, डिफेंस 12 है, 22 है, और शार्प कट स्पिन अटैक करता है भाई, 167 हेल्थ है, इसकी हेल्थ कितनी है भाई, 167, इसकी भी 167 है, 266 है, ये थोड़ा पावरफुल है, लेवल 2 है ये। ओके, इसका लेवल 4 हो चुका है, बहुत बढ़िया, और अटैक 22 ही, ज्यादा अटैक नहीं बढ़ रहा इसका। चलो नए मूव मिलेंगे तो पता चल जाएगा, बहुत बढ़िया। क्राफ्टिंग में थोड़े बहुत चीजें अनलॉक हुई हैं, लेट्स गो, बिल्ड करेंगे यार, बेड बना लेते हैं भाई, बेड का टास्क है। अरे बेड लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, नाइस। और क्या बनेगा, आई थिंक इन्वेंट्री है ये, इन्वेंट्री कोई यहाँ पे रखें, नाइस, ये काफी है भाई। और ये अमीगर लैब पता नहीं क्या है यार, इसके लिए मुझे वुड चाहिए, स्टोन चाहिए, और बहुत ज्यादा चाहिए भाई, लेट्स गो, ये बना सकता हूँ। कंसोल क्या है, ये बना सकता हूँ, थोड़ा वुड ही चाहिए मुझे, लेट्स गो, वुड इकट्ठा करते हैं, बहुत बढ़िया, आ जा, नाइस, अभी मैं उसको भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। अरे भाई और थोड़ा वुड चाहिए भाई साहब, इसको बना लेंगे, पहले बेड को बना लेते हैं भाई, आई थिंक नाइट पूरी यही से ढल जाएगी। ओ कोई नया कैरेक्टर है, वेट वेट वेट, रिस्पॉन सेट हो जाएगा, ओके हो गया आई थिंक, ये कोई नया बंदा आया है, बात करें इससे। अबे हट तेरी भैंस की, 89 रुपीज में मेरे को ये लेने के लिए बोल रहा है, कमेंट में जाके बताओ गाइस लेना चाहिए क्या, अगर ये आप बोलोगे तो मैं जरूर लूंगा। ओके भाई क्यूट तो लग रहा है, देखो ये कितना प्यारा है, नए नए पोकेमॉन्स पकड़ेंगे यार, बहुत ही मस्त मस्त लग रहे हैं, और नए चीजें अनलॉक हुई हैं,
और इसको यूज नहीं कर सकता मैं, आई थिंक। तोड़ना मत भाई इसको। और हम बैकपैक भी बना सकते हैं, लेट्स गो मैन, बैकपैक इक्विप करते हैं। तो ऑनेस्टली यार मेरे को गेम बहुत ही पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जाकर जरूर बताना। भाई मेरे को गेम बहुत मस्त लग रहा है और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ भाई और कितने टाइप के पोकेमॉन्स हैं यहाँ पे, उन सभी को लेंगे, पकड़ेंगे भाई। और वेट, बैकग्राउंड में मुर्गा भौंक रहा है, उसको इग्नोर करो। आई थिंक इन बैग लग गई ऑटोमेटिकली। अच्छा ऑटोमेटिकली लग गई भाई, नाइस। और ये स्लॉट कैसे अनलॉक होगा यार, मेरे को ये पता नहीं चल रहा। पॉकेट स्लॉट है, अगर आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे इनको कैसे अनलॉक कर सकता हूँ तो मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना। और इसी के साथ गाइस गेम तो देखने में बहुत ही मस्त लग रहा है, आप मुझे कमेंट में जाके बताना कि आपको कैसा लगा। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और स्पेशल ऑफर है, हम इस पोकेमोन को बाय कर सकते हैं 89 रुपीज में, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसको बाय करूँ तो मुझे कॉमेंट में जाके जरूर बताना भाई। 24 आवर्स उतना ही बचा है, उसके अंदर अगर मैं वीडियो भाता हूँ तो मैं आपको आपसे पूछना चाहता हूँ भाई। तो 24 आवर उतना ही बचा यार, अगर उसके अंदर वीडियो आ जाती है और आप लोगों को, आप लोगों ने कहा कि इसको लो तो मैं जरूर लूंगा। तो इसी के साथ गाइज आई होप कि आज की वीडियो को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो। इसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।